रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं, जहां पर कलेती बरादरी चक नंबर 54 जिला रहीम यार खान के लोगों ने DPO रहीम यार खान से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 54 जिला रहीम यार खान में बासर जमींदार के ओबाश लड़के ने हिंदू बरादरी की लड़की को छेड़ा, उसके साथ बदतमीजी की। इस बेहुदा हरकत पर उसके अहले खाना ने उस लड़के को 2-3 थप्पड़ सीट किए। बाद में उस बासर जमींदार के ओबाश लड़के ने असलाह डंडो और चोटों से लेस जत्थे की सूरत में 40 से 50 घरों पर मुश्तमिल अकलियती बरादरी पर हमला कर दिया। उनको गंदी गालियां और जान से मारने की धमकियां दी और कहा कि तुम लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जिस पर लोगों ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया और DPO रहीम यार खान, IG पंजाब, वजीर आला मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान के तमाम रियासती और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और इन बाअसर जमींदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और अकलीती बरादरी के लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि अकलीती बरादरी के लोग पाकिस्तान के अमन पसंद शहरी हैं और पाकिस्तान की आयन और कानून की पासदारी करते हैं।